अस्सलामुअलैकुम, टुडे वी हैव एक्सोल जेल। अगर बात की जाए इस लोशन की तो हमें इसको इस्तेमाल करने का मौका तब मिलता है जब हमारी स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ड्राई हो जाए या क्रैक हो जाए स्किन। बेसिकली ये रेवोल्यूशनरी न्यू प्रोडक्ट है जो हेल्प करती है हमारी ड्राई स्किन को रिकवर करने के लिए, और उसके अलावा जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसकी फॉर्मुलेशन बनाई गई है जो कि मैक्सिमम मॉइस्चराइजिंग देती है स्किन को, और ताकि हमारी स्किन जो है वो नॉरिश वे में बेहतर हो सके, यानी कि दोबारा रिस्टोर हो सके, खूबसूरती ज्यादा हो सके। असेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर हैं जो कि रीजनरेट करते हैं स्किन के सेल को, सॉफ्ट करते हैं, स्मूथर करते हैं और हाइड्रेटेड करते हैं। वैसे तो पानी का इस्तेमाल अगर ज्यादा किया जाए तब भी स्किन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ये एक्नी वल्गेरियस के अंदर ये काम करती है। बेसिकली इसके अंदर है एक एंटीबायोटिक कंपोजिशन जिसका नाम है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, जो कि क्या करती है कि ट्रीट करती है सीवियर किस्म की एक्नी को, एक्नी स्कार्स को और वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो हमारी स्किन के ऊपर हो जाते हैं। इसको 1% के नाम से भी जाना जाता है, एटको की है एक्सोल्व 1%। अब बात यह है कि इसके जो यूजेज हैं वो एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन होंगे, आपको गाइडेंस दी जाती है कि आपने कब कब इसको यूज करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ओवरऑल ये स्किन की ट्रीटमेंट के अंदर जो सीवियर एक्नी है उसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज है। बात करें इसकी प्राइस की तो हमें करंट प्राइस इसकी मिलती है इस वक्त वो है 217 रुपए। अच्छा, इसमें क्रीम भी हमें अवेलेबल हो जाती है मार्केट के अंदर। अब मैं इसको थोड़ी सी डायरेक्शन शेयर कर देता हूँ कि आपको इसको इस्तेमाल करने से पहले क्लीन करना पड़ेगा स्किन अफेक्टेड एरिया को, उसको ड्राई करना पड़ेगा, देन इसको अप्लाई होंगे, अप्लाई थिन लेयर करेंगे आप अफेक्टेड एरिया के ऊपर, फिर रीअप्लाई करेंगे 2 से 3 टाइम पर डे एज पर फिजिशियन या डॉक्टर जो गाइड आपको करे उसके मुताबिक, और फर्दर के आंखों के करीब इसको नहीं लेके जाना, इसको उसके अलावा नोज या माउथ के करीब नहीं लेके जाना। इस टॉपिकल को इस्तेमाल करते हुए कुछ साइड इफेक्ट जो हैं वो सामने जो नजर आए हैं कॉमनली वो ये है कि ड्राई स्किन हो सकती है, डर्माटाइटिस हो सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। फर्दर अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में चला गया है कोई, यानी कि अगर लगाते लगाते चेहरे पे या आपकी स्किन पे आप इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हैं और आपकी आंखों में चला गया है, तो फिर आप फौरन से पहले वॉश करेंगे, फिर अगर ज्यादा रेडिशनेस हो जाती है या कोई ये बर्निंग वाला एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेंगे। सो दिस इज आर ऑल अबाउट एक्सोल्व लोशन। ये क्रीम की फॉर्म में भी आता है मार्केट के अंदर और इसकी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसकी वजह से इसकी सेल भी अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।